बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सी लैंग्वेज फुल कोर्स में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। और आज का जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2 है, और इसके अंदर हम देखेंगे इंस्टॉलेशन ऑफ सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज के सॉफ्टवेयर को किस तरीके से इंस्टॉल किया जाता है, और एक छोटा सा प्रोग्राम या उसका एक स्ट्रक्चर जो है, जो उसकी IDE है, उसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। सो आ जाते हैं हम अपने सबसे पहले तो ये देख लें कि आप लोगों ने सी लैंग्वेज का जो सॉफ्टवेयर है वो आप कहाँ से, यानी कि आप अपने पास रख सकते हैं कहाँ से। अब देखिए, सबसे पहले तो सी लैंग्वेज के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने का तरीका ये है कि आप लोग इंटरनेट पे जाकर टर्बो सी, ठीक है, फ्री डाउनलोड टर्बो सी, यहाँ से मैं लिख लेता हूँ फ्री। यहाँ से सबसे पहले हम आ जाते हैं गूगल में, और वहां से हम जो है टर्बो सी जो है एक सॉफ्टवेयर है जिसको हम फ्री डाउनलोड करेंगे, ठीक है। गूगल के पेज पर आ जाते हैं, और यहां से जो मैं IDE पढ़ाने वाला हूं वो है टर्बो सी प्लस प्लस आर टर्बो सी डाउनलोड। जैसे आप टर्बो सी डाउनलोड लिखेंगे तो आपको सबसे पहला वाला जो लिंक आ रही है इस पे आप क्लिक करके इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। सो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी आप लोगों के लिए सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना, यहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास डाउनलोडेड है। आप अचीव फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हो, ये एक वेबसाइट है टर्बो सी वालों की, जहां से आप कोई भी यानी कि सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हो, और इस तरीके से आपके सामने ये इंटरफेस आने वाला है और ये सारी चीजें यहाँ से हो सकती हैं। सो आप वहां से ये चीज डाउनलोड कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है तो मुझे डाउनलोड करने की कोई जरूरत नहीं है। सो ये आप लोगों के लिए जस्ट डेमो था कि आप लोग किस तरीके से टर्बो सी प्लस प्लस को या टर्बो सी को डाउनलोड कर सकते हो, जो सी लैंग्वेज का एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम अपनी प्रोग्रामिंग को मजीद पढ़ेंगे। सो चलो स्टार्ट करते हैं, इंस्टॉलेशन प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके सामने इस तरीके से कुछ इंटरफेस आएगा, आपने करना है यस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद, उसके बाद नेक्स्ट कर देना है, और एक्सेप्ट लाइसेंस कीज को करने के बाद इंस्टॉलेशन पे क्लिक कर देना है। थोड़ा सा सबर करने के बाद आपके सामने ये इंस्टॉल होकर आपके सामने आ जाएगा। देखते हैं हमारे सामने ये इंस्टॉल होने के बाद किस फॉर्मेट में आता है या किस तरीके से। अब यहाँ से आपको कुछ कह रहा है कि आप क्या इसको रन करना चाहते हो या कोई और शो रीडमी या कुछ ऐसी ऑप्शंस देखना चाहते हो, तो आपने इनको चेक करना है। चेक करने के बाद अगर नहीं करना तो आप नहीं करो और फिनिश कर दें। फिनिश करने के बाद हम थोड़ा सा सबर करेंगे, और जो ये है इसको हम यहाँ से काट देते हैं फिलहाल के लिए, और देखते हैं कि हमारे सामने क्या आता है। ये देखें, हमारे सामने इस तरीके का एक इंटरफेस आ गया है, और जो बने बनाए प्रोग्राम्स हैं वो यहाँ पर हमें शो हो रहे हैं, और इस तरीके से आपके सामने एक इंटरफेस आ रहा है। बेसिकली आपने करना क्या है, देखें यहाँ पर ये जो आपके सामने IDE आ रही है, ये जो आपको पूरा इंटरफेस नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट। ये एक ऐसा एनवायरमेंट है जो इंटीग्रेटेड है, यानी कि एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, एक दूसरे के साथ टचअप में है, और इस इंटीग्रेटेड एनवायरमेंट को यूज करते हुए हम एक फाइल बनाएंगे, एक गेम भी बना सकते हैं, एक सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं, और उसके अलावा मजीद जो फंडामेंटल्स हैं प्रोग्रामिंग के, जो बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं, उनको हम कंप्लीट कर सकते हैं। सो किस तरीके से हम करेंगे, देखें सबसे पहले आप यहाँ पर आकर कुछ प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट होते हैं, जो प्रोग्रामिंग की बेसिस पे काम कर रहे होते हैं, उनको यूज करके हम एक छोटा सा प्रोग्राम बना भी सकते हैं और उसको रन भी कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है। सो इस प्रोग्राम को हम जो है अगर अभी कंटिन्यू करें तो कर सकते हैं। देखें सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने कीबोर्ड में से शिफ्ट पकड़ के बफर साइन, जो ये सिंबल जो होती है जिसको हैश की सिंबल कहा जाता है, ये देने के बाद आप लिखेंगे इंक्लूड, और उसके बाद आप ये जो लेस देन और ग्रेटर देन है इनके बीच में आप एक लाइब्रेरी को कॉल करेंगे जिसको हम कहते हैं conio, यानी कि conio.h कंसोल इनपुट आउटपुट, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने के बाद आपने क्या करना है, देखें सिंपल सी बात है, आपने लेस देन और ग्रेटर देन के बीच में ये लिखना है conio, जिसको हम कंसोल इनपुट आउटपुट कहते हैं। ये लिखने के बाद दोबारा से यही बफर साइन देनी है आपने, और यहाँ पर लिखना है इंक्लूड, और यहाँ पर आकर लिखना है stdio.h स्टैंडर्ड, STD means standard, IO means input output, .h एक header file है, ठीक है। उसके बाद main, main, और function bracket देनी है और body bracket देनी है आपने, ठीक है। इस तरीके से function bracket और body bracket देने के बाद यहाँ पर आप अपने program को लेकर आएंगे, और यहाँ पर आकर जो basic structure के थ्रू हम काम कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर आपने लिखना है get, G-E-T-C-H, get character। देखें get जो है
इसका मतलब होता है गेट, यानी कि कोई कैरेक्टर को कुछ चीज गेट करना, और कैरेक्टर का मतलब होता है कोई कैरेक्टर, कीबोर्ड का कोई भी कैरेक्टर, गेट कैरेक्टर। और उसके बाद यहाँ पर हम अपने प्रोग्राम को प्रिंट करने के लिए हम लिखते हैं यहाँ पर प्रिंट एफ, जो आउटपुट के लिए होता है। और यहाँ पर आकर प्रिंट एफ के बाद ये टर्मिनेटर लगाना लाजमी होता है, जरूरी होता है। और उसके बाद हम यहाँ पर अपने प्रोग्राम को डबल कोट्स के अंदर अपने प्रोग्राम को जो आपने कोई स्ट्रिंग प्रिंट करना है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हेलो साकी, ठीक है। सो इस तरीके से आप अपने प्रोग्राम को प्रिंट करवा सकते हो। इस प्रोग्राम को प्रिंट करने के बाद, ये लिखने के बाद, आपने यहाँ पर ये रन तो नजर आ रहा होगा, इस रन पे क्लिक कर देना आपने, या कंट्रोल F9 जो शॉर्ट की है उस पर क्लिक कर दोगे तो आपके सामने ये इस तरीके से हेलो साकी का एक प्रोग्राम बनकर आ जाएगा, ठीक है। इन मजीद लाइब्रेरीज को देखेंगे हम, इन मजीद लाइब्रेरीज के ऊपर हम बहुत ज्यादा काम करेंगे, और हम ये देखेंगे कि बेसिकली ये जो बफर साइन है इसका क्या काम है, इंक्लूड का क्या काम है, कोन्यू का क्या काम है, ये सारी चीजें देखेंगे। आज प्रोसेस था इंस्टॉलेशन का, और इसलिए मैंने आप लोगों को इंस्टॉलेशन प्रोसेस के साथ साथ एक प्रोग्राम भी रन करके दिखा दिया, ठीक है। सो आई होप कि ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, अगर नहीं होती तो आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें अपना बताना कि आप लोगों को कहां पर क्या मसला आ रहा है, और हम आप लोगों की हेल्प करेंगे। सो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।